क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो एक वर्टिकल टावर है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्टैंड अप है एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग. और इसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग भी है. ये हो गया टावर. टावर के ऊपर क्या है, एक फ्लैग है. फ्लैग को हम F लिख लेते हैं इस हाइट को, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को हम फ्लैग के लिए F लिख लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसको हम टावर की हाइट के लिए T लिख लेते हैं. एज यू लाइक, आप कुछ और नेम देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. अब आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं. अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर. तो ये भी गिवन है कि फ्लैग की जो हाइट है ना वो 5 मीटर है. स्टाफ लेने की जरूरत ही नहीं है. सो लेट्स टेक इट 5 मीटर. ठीक है, ये 5 मीटर फ्लैग की हाइट हो गई. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, तो प्लेन के किसी पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग. हमने मान लीजिए इस पॉइंट से कहाँ पर देखा, हमने देखा इस फ्लैग के टॉप पर और बॉटम पर. ये है फ्लैग. फ्लैग के टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा और इसके अगर हम बॉटम पे व्यू करेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा. यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं. एक बनता है कैसा, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल. तो ये जो छोटा एंगल है इसको हम 30 डिग्री ले रहे हैं और ये जो पूरा एंगल है दैट इज 60 डिग्री, है ना. लिखा भी है रिस्पेक्टिवली ये एंगल्स बन रहे हैं. 30 डिग्री का कहाँ के लिए बन रहा है, बॉटम के लिए, और 60 डिग्री का बन रहा है इसके टॉप पर देखने पर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स टेक ये टी है. अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या लॉजिक यूज़ करना होगा, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई वैल्यू गिवन है यहाँ पर. हमारे पास यहाँ बेस की भी वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ हमें एंगल्स पता है और हमें एक ये हाइट पता है जो कि फ्लैग की है. क्या हम सिर्फ फ्लैग की हाइट से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं. दोनों ट्राइंगल के अंदर हम टेंजेंट की वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं. टेंजेंट क्यों, क्योंकि टेंजेंट हमें परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो देती है. तो दोनों ट्राइंगल में आप लगाइए टेंजेंट. दोनों ट्राइंगल कौन कौन सी बनती है, सो मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ. एक ये वाली ट्राइंगल जिसमें ये एंगल बनता है 30 डिग्री का, ठीक है, और एक ये वाली ट्राइंगल जिसमें ये एंगल बनता है 60 डिग्री का, राइट. अगर हम इस ट्राइंगल में जिसमें 30 डिग्री का एंगल बनता है इसमें देखें तो इसमें सिर्फ टावर है, लेकिन जिसमें 60 डिग्री का एंगल बनता है उसमें परपेंडिकुलर हाइट में टावर भी है और 5 मीटर का फ्लैग भी है. दोनों हाइट्स हैं, दोनों से हम निकाल लेते हैं बेस, ठीक है. तो अगर आप चाहें तो टेंजेंट लगाकर पी अपॉन बी करिए, या फिर आप कोटेंजेंट लगाकर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कीजिए, जो चाहे आप सॉल्व कीजिए. मैं इसमें टेंजेंट ही लगा देती हूँ. यहाँ पर लगाते हैं टेंजेंट 30 डिग्री और इस वाले ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं टेंजेंट 60 डिग्री. 30 डिग्री का लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है इसका, टी, और बेस कितना है नहीं पता तो बेस को हम बेस ही लिख देते हैं. टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करते हैं, 1/√3 इक्वल्स टावर अपॉन बेस. सो यहाँ से आप बेस की एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बेस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, T√3. इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है. अब आते हैं दूसरी ट्राइंगल पर जिसमें 60 डिग्री वाला एंगल है. दूसरी में भी टेंजेंट 60 लगाते हैं. टेंजेंट 60 लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टावर प्लस फ्लैग डिवाइडेड बाय बेस. टावर प्लस फ्लैग क्यों, क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर हाइट है उसमें टावर और फ्लैग की हाइट दोनों जोड़ के साथ दी गई है, दोनों जुड़ी हुई है. डिवाइडेड बाय बेस इज टेंजेंट 60 और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज √3. √3 और यहाँ हो गया T+5 अपॉन बेस. अब यहाँ से भी हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना. हमने बेस की एक वैल्यू यहाँ रखी है, एक वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं. तो बेस आ जाएगा T+5 डिवाइडेड बाय √3. मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में बेस की अलग अलग वैल्यूज आई है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं जिसमें दोनों की दोनों चीज़ें बेस के बारे में डिस्कस कर रही है तो इसका मतलब ये आंसर्स इक्वल होंगे ना. अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसी भी इक्वेशन के तो फिर उनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हुआ. यानी आप कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2
1 and 2. T root 3 is equal to T plus 5 root 3. मैंने क्या किया, इनके राइट हैंड साइड को इक्वल रख दिया. बस इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे और टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे किया जाएगा, सबसे पहले डेनोमिनेटर ख़त्म करते हैं, रूट थ्री को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टी प्लस 5. ये कैसे किया, रूट थ्री जब रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ 3 बचेगा, 3 × t इक्वल्स 3t इक्वल्स टी प्लस 5. हमें टी की वैल्यू चाहिए तो टी को एक तरफ भेज देते हैं, 3t माइनस टी इक्वल्स 5, तो यहाँ बचा 2t इक्वल 5, टी इक्वल्स 5/2 विच इज 2.5 मीटर. सो द हाइट ऑफ द टावर इज 2.5 मीटर.